बड़ी खबर हरदोई से है, जहां पर हरदोई में ऑटो और डीसीएम में भिड़ंत हो गई, जिसमें करीबन 11 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं। हरदोई में ऑटो और डीसीएम की भिड़ंत में 11 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया है। बिलग्राम थाना क्षेत्र के रोशनपुर गाँव के पास ऑटो और डीसीएम की भिड़ंत हुई है, जिसमें 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। क्या पूरा मामला है, किस तरह से कैसे हादसा हुआ है? लगभग 12:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि बिलग्राम माधवगंज रोड पे एक मोड़ पड़ता है, उस मोड़ पे डीसीएम और ऑटो का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, रेस्क्यू किया गया, हॉस्पिटल में उनको लाया गया, तो उसमें 10 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, जिसमें 6 महिलाएँ शामिल हैं, 3 बच्चे शामिल हैं और 1 पुरुष शामिल है। 10 लोगों की मृत्यु हुई, 4 लोग घायल। इसमें भी डॉक्टरों से भी बात हुई थी तो उनकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन फिर भी उनको बेटर उपचार के लिए जिला हॉस्पिटल उनको रेफर किया गया, एम्बुलेंस से भेजा जा रहा है उनको। बाकी जो कैजुअलिटी हुई उनके घर वालों को हम लोग सूचना दे रहे हैं, जिससे कि वो आ जाए यहाँ पे देख लें। बाकी जो डीसीएम है उसको पुलिस ने तत्कालिक कब्जे में ले लिया था। बाकी जो भी बातें हैं, क्या मेन कारण रहा जिससे एक्सीडेंट हुआ, मैं मौके पर गया था तो लोगों ने ये बताया कि एक मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में डीसीएम का इस ऑटो के साथ एक्सीडेंट हुआ, उसको भी हम लोग जांच कर रहे हैं। और पहली प्राथमिकता ये है कि जो घायल है उनको अच्छा उपचार मिले, जिससे उनकी जान बच सके और परिजनों को, मृतकों के परिजनों को सूचना दी जाए, जिससे कि वो यहाँ पर आके देख सकें। सर, अगर देखा जाए कि ऑटो चालक इस तरह से पूरी कम सवारी, 5 सवारी का वो होता है सीट का होता है, लेकिन वही इतनी इतनी सवारी कैसे बैठा लेते हैं, ये बात की बात है। प्रथम हमारी प्राथमिकता ये है कि घायलों को अच्छा इलाज मिले और जो मृतकों के परिजन हैं उनको सूचना दी जाए, जिससे कि वो यहाँ पर आ जाए। ये कि कितने लोग लेके जा रहा था, कौन ऑटो वाला है, ऑटो वालों को भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि ऑटो वालों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन ऑटो हमारे कब्जे में, उसको भी देखा जाएगा। जो भी कानूनी कार्रवाई बनती होगी वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, कठोर दंडात्मक कार्रवाई। हरदोई से रोहित मिश्रा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।